और हमने ये सोच लिया कि साहब ये तो फला पार्टी के लोग इकट्ठे हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो मैं चाहता हूं हम फिर किसान के साथ हैं। मंच जरूर रोजगार के लिए बुलाया है, पर मैं ये कह रहा हूं मैदान में उतरना पड़ेगा सब लोगों को, और आपको भी इससे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 1955 में बना था और ये कहा था कि इससे ज्यादा तू इकट्ठा नहीं करेगा, तू इकट्ठा कर लेगा तो आलू 200 रुपए किलो हो जाएंगे, प्याज 200 रुपए किलो हो जाएंगे, दाल आसमान छू जाएगी। बेटे बेईमानी कह रहे हैं कि कितना इकट्ठा कर लो, हमें क्या लेने देना, कानून लेके आए और ये कह रहे हैं कि राज्य इन कानूनों को मानेगा। मोदी जी ठठेरे की बिल्ली ठरकों बोल रहे हैं, नहीं मानेंगे आपके कानून। तुम मंडी तोड़ना चाहते हो, मेरे को सिरसा में एक पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारे राजस्थान में विरोध क्यों नहीं हुआ, कमजोर विरोध क्यों है, 800 मंडी लगी थी 800। यह अलग बात है कि 2 जुलाई को सत्र घेर दिया था केंद्र ने कि और नहीं तोड़ोगे, गौण मंडियों में अनाज तोड़ना शुरू हुआ था, केंद्र उसको तोड़ना चाहता है, तो गुस्सा आना चाहिए मुख्यमंत्री जी सबको। आपने 700 मंडियों में माल तोड़वाया था, 700 मंडियों में, वो तोड़ने की साजिश दिल्ली रच रही है, पार्टियों के बैनरों से ऊपर उठ करके हमें लड़ना पड़ेगा। भाई कह रहे हैं कि किसान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, वो पीलीबंगा वाले किसान साथी कह रहे थे हमारे इलाके में आज भी जमीन ठेके लेकर के काश करते हैं, वो ठेका ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, हजारों हजार एकड़ जमीन मजबूर कर देंगे लेने के लिए, तीनों कानून एक साथ लाए, जमीन खोसेंगे, मंडी तोड़ेंगे, खुद के व्यापारी होंगे, उनका व्यापारी गंगा के घाट पर जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा या तो दे दे 800 रुपए किलो, नहीं दे तो गंगा में गिर तेरा मार। ये मेरी मानी है, मैं जिस दिन खड़ा बने पत्रकार दिन तो मेरी मजाक उड़ा रहे थे जब ट्रक पाया था, मैं बैनर में विधानसभा के आगे खड़ा था, डोडा से रवि दूसरे दिन बोले यार तेरे का विरोध बड़ा जोर का किया, मैंने कहा ये कबाड़ा करके जाएगा, ये कबाड़ा करके गया था, करके गया था, अरे लॉकडाउन में सांस नहीं आ रहा था किसी को, ये रात के अंधेरे में काले कानून ला रहे थे, ये बालाकोट, ये अक्षय दीन, ये 750 चैनल उनके, अगर किसान का फायदा करते थे बताते नहीं, कितनी बार बताते हैं, 4 बार बताते हैं, अच्छे अभी गया मरोगा से लड़ांगा, पार्टियां बंधना ऊपर कर लड़ांगा, एक झूठ होकर लड़ांगा, देश में हरित क्रांति आई, देश में बैंक राष्ट्रीयकरण हो, देश में बात तो चल रही नदी जोड़ने की, आप बैठे बाप अडानी अंबानी जोड़ दिया, कठे नदी मिलने ले गए, अब वो कविवर सही कह रहे थे भाई मोदी को बैठे कुछ, मोदी को तो मुखोटो मुखोटो है, सो दो तो और क्यों ही है।